महंगाई ने वजीर आजम की भी नींद उड़ा दी। कहते हैं महंगाई की वजह से मुझे नींद नहीं आती। माफियाज इकट्ठे हो गए हैं कि किसी तरह ये हुकूमत चली जाए। पीटीएम अपने मकासद में कभी कामयाब नहीं होगी। जिनकी साइकिलों की दुकान थी आज वो लंदन के महंगे तरीन इलाकों में रह रहे हैं। ये लोग घबरा कर इकट्ठे हुए। रावलपिंडी रिंग रोड की अशद जरूरत है। मनसूबे में फ्रॉड के मसाइल सामने आए हैं। आवाम से बराह रास्त फोन पर गुफ्तगू। बोले भारत से ताल्लुकात बेहतर करना कश्मीरी शोहदा से गद्दारी होगी। मौजूदा दौरे हुकूमत में महंगाई का तूफान। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 1000 रोज मुकम्मल। अशिया जरूरिया की कीमतों में होशुबा इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक चीनी 42.95 रुपये फी किलो महंगी हुई। आटे का 20 किलो का थैला 373.50 रुपये बढ़ा। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 155.51 रुपये फी किलो का इजाफा हुआ। अंडे 51.68 रुपये फी दर्जन महंगे। लहसुन भी 43.83 रुपये फी किलो महंगा हो गया। पीडीएम की जमातों में कल कंफ्यूजन नजर आई। बिलावल भुट्टो का पीडीएम इजलास पर रद्द अमल। कहा चाहते हैं अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट में कंफ्यूजन का शिकार ना हों, सब मिलकर बजट के खिलाफ अपना वोट इस्तेमाल करें। हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। बोले सलाला वाके पर अमरीकी मौफीदा का मुदरफ्त बंद रखी। हमारी हुकूमत ने शमसी एयरबेस को बंद कराया। कठपुतली हुकूमत बहादुरी के साथ फैसले नहीं कर सकती। वली बाग चार सदा अहमद बेगम नसीम वली की वफात पर इजहार ताजियत। पीपल्स पार्टी का पीडीएम से बात करने से इनकार। नैयर बुखारी कहते हैं मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज का रवैया दुरुस्त नहीं। पीडीएम के नुमाइंदे शहबाज शरीफ से मुजाकरात नहीं हो सकते। मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज मौजूदा हुक्मरानों को घर नहीं भेजना चाहते। नाम निहाद पीडीएम लॉन्ग मार्च करना चाहती है, ना तहरीक चलाएगी। मुल्क कैसे तरक्की करेगा, वजीर खजाना शौकत तरीन ने बता दिया। कहा बरामदात बरामदात और बरामदात यही कामयाबी की कुंजी है। बिजली की कीमतें मजीद नहीं बढ़ाएंगे। टैक्स देने वालों को मजीद टैक्स नहीं लगेगा। अवाम एफपीआर की हरासानी से आजाद होंगे। सर्कुलर डेट खत्म ना हुआ तो मुस्तकबिल में कोई सेक्टर में सरमायाकारी नहीं करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी के अपोजिशन से सवालात। कहा इस वक्त मुईशत ऊपर जा रही है, आम आदमी की हालत बदल रही है। अपोजिशन एहतजाज की कॉल क्यों दे रही है, ऐसी सियासत का फायदा किसको होगा। पीपी और नून लीग ने जो मुईशत के साथ किया इसकी वजह से मुश्किलात से गुजरना पड़ा। अब तवील इंतजार के बाद मौशी पॉलिसियों के मुस्बत नतायज आ रहे हैं। मरियम औरंगजेब का हुकूमत को आदाद और शुमार का मवाजना करने का चैलेंज। कहा नालायक झूठी और करप्ट हुकूमत ने पहले मईशत तबाह की, अब तबाहशुदा मईशत पर फख्रिया ट्वीट्स करते हैं। इमरान साहब हिम्मत करके मौशी आदाद और शुमार का मवाजना जारी करें और आईना देखें। झूठ और जालसाजी से आने वाली हुकूमत झूठ और जालसाजी पर ही जिंदा है। तरीन ग्रुप के एमपीए नजीर चौहान गिरफ्तारी देने थाने जा पहुंचे। तफ्तीशी अफसर का स्पीकर की इजाजत के बगैर गिरफ्तारी से इनकार। नजीर चौहान बयान रिकॉर्ड करा के वापस चले गए। शहजाद अकबर के खिलाफ अपने मौकिफ पर कायम। कहते हैं शहजाद अकबर लोगों को प्रमोट करके इदारों में लगा रहे हैं, किसके एजेंडे पर काम हो रहा है। वजीर आजम इमरान खान को फैसला करना चाहिए। नजीर चौहान के हक में हल्के में बैनर्स भी लग गए। अल्हम्दुलिल्लाह खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, शहजाद अकबर का ट्वीट। कहा अपने आका अलैहि सलातो वसलाम की खत्म नबूवत का हर उम्मती की तरह चौकीदार हूँ। ये बात एफआईआर में भी दर्ज है जो मेरा बयान हल्फी है। मजीद बयानबाजी महज सियासी इंतकाम और छोटेपन के सिवा कुछ नहीं। पानी चोरी के मामले पर इरसा अरकान मुतहर्रिक। पंजाब की चार बड़ी नहरों और दो बैराजों पर अचानक छापा। पानी की आमद और अखराज का जायजा लिया। अरकान का पंजाब में पानी की तकसीम पर इजहार इत्मीनान। रिपोर्ट चेयरमैन इरसा को दी जाएगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजार ने पंजाब और सिंध के बैराजों पर मुबस्सरीन तायुनात करने की तजवीज़ दे दी। अरकान सिंध असम्बली को पंजाब के बैराजों के दौरे की भी दावत। जरा सिंध इस्माइल राहू वफाकी हुकूमत पर फट पड़े। कहा वफाकी हुकूमत सूबे के तमाम इदारों को अपनी मातहत चलाना चाहती है। सिंध में जानबूझकर पानी की किल्लत पैदा की जा रही है। सिंध के आबादकारों की मदद नहीं की गई। टिड्डी दल का हमला हुआ और सैलाब आया, वफाकी हुकूमत खामोश रही। गर्मी बढ़ते ही के इलेक्ट्रिक की तारें ठंडी पड़ गईं। कराची में लोड शेडिंग का जिन फिर बेकाबू। गुलशन इकबाल गुलशन बीमार, गुलशन हदीद में बत्ती गुल। मिल्लत टाउन मॉडल कॉलोनी जैकब लाइन नॉर्थ कराची में भी बिजली बंद। शहरियों का पारा हाई। कहा दिन में सुकून है ना रात को चैन। शिकायत के बावजूद बिजली बहाल नहीं की जा रही। पंजाब भर में 10वीं और 12वीं जमात के लिए स्कूल और कॉलेज कल से खुलेंगे। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं तलबा को 50% हाजिरी के तहत एक दिन स्कूल आना होगा और एक दिन छुट्टी होगी। 7 जून तक किसी और क्लास को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी।
पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी, वबा ने मजीद 56 अफराद की जान ले दी, मजीद 2697 मरीज भी सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.81% रही। पाकिस्तान में एक दिन में 3,83,000 अफराद की वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड, 70 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन हो गई। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। पंजाब में 24 घंटे में 22 अफराद कोरोना से जान बहक, वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं मुल्तान, रहीम यार खान और खानीवाल में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह ज्यादा है। लाहौर के 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है, लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 1.5% पर आ गई। पंजाब में 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन जारी। डीजल महंगा होने का इम्कान, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4.36 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतें बरकरार रखने की सिफारिश, समरी हुकूमत को इरसाल। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 10 साल बाद कुवैत का वीजा बहाल, वजीर दाखिला शेख रशीद की कुवैती वजीर आजम से मुलाकात, पाक कुवैत ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पेशावर में जमात इस्लामी का फलस्तीन के अवाम से इजहार यकजहती के लिए अल-कुद्स मार्च, इसराइली हमलों में 300 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए, फलस्तीन की आज़ादी के लिए मरना और जीना ईमान का हिस्सा है, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब। पाकिस्तानी स्कूल टीचर की बेटी लंदन असेंबली की पहली मुस्लिम खातून रुकन मुंतखब, हिना बुखारी लिबरल डेमोक्रेट्स के प्लेटफॉर्म से रुकन असेंबली मुंतखब हुई। पाकिस्तान सुपर लीग में फिर रुकावट आ गई, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद समेत 10 अफराद को अबूधाबी रवानगी से रोक दिया गया, क्लियरेंस न मिलने पर एयरपोर्ट से वापस होटल मुंतकिल। पीसीबी का अबूधाबी स्पोर्ट्स काउंसिल से राबता, खिलाड़ियों को भेजने के लिए मुतबादल ऑप्शंस पर गौर, मोहम्मद हसनैन और दीगर 5 अफराद कमर्शियल फ्लाइट से अबूधाबी चले गए। पेशावर जलमी ने मेगा इवेंट की तैयारी कर ली, कोच डैरेन समी अबूधाबी पहुंच गए, कहते हैं लंबा सफर किया, अब पीएसएल का इंतजार है, पेशावर जलमी पूरी तरह तैयार है।